Welcome to Columbia 47. आज के मिशन पर मैं आया हूँ कोलंबिया के घने जंगलों में। इस बार भी हमें 3 टारगेट दिए गए हैं जो इस विशाल मैप में फैले हुए हैं। यह मैप इतना बड़ा है कि इसमें जंगल, नदी, गांव, जंगल, महल, उससे छोटा महल, झरना, जंगल, जहरीली जड़ी बूटियाँ, जहरीले मेंढक, जहरीला जंगल, एक पनडुब्बी, कोकीन की फैक्ट्रीज, खुफिया गुफाएँ और खुफिया जंगल शामिल है। मेरे टारगेट्स एक ड्रग कार्टेल के 3 मुख्य हैं और उनके पर्सनल गुंडे हर समय उन पर कड़ी निगरानी रखते हैं, पर क्योंकि मैंने नार्कोस के सारे एपिसोड देखे हैं, मुझे भरोसा था कि मेरे पास इस मिशन के लिए जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। Happy hunting, 47. तो मिशन स्टार्ट होते ही मैंने सोचा कि पहले बैठ के सोच लूं कि भाई करना क्या है, इतना बड़ा मिशन है, शुरुआत करें कहाँ से। थोड़ी देर यहाँ वहाँ देखने पर मुझे पता चला कि मेरा पहला टारगेट एकदम मेरे सामने ही है, तो मैं उठ के उसका पीछा करने लगा। मेरा टारगेट गेट के उस तरफ जा चुका था, मेरा भी वहाँ जाना ज़रूरी था, तो मैंने गेट पर खटखटाया, लेकिन अंदर खड़े गार्ड ने मुझसे कहा, तो मैं वापस चला किसी और रास्ते की खोज पर। थोड़ी दूरी पर मुझे जंगलों का एक रास्ता मिला। यहाँ मुझे कुछ जहरीली जड़ी बूटियाँ भी मिली जो मैंने उठा ली। सामने बढ़ते हुए मुझे एक ढोंगी बाबा मिला जो लोगों को अपना ज्ञान बांट रहा था। उसने मुझे अपने इस छोटे से समूह में शामिल होने का न्योता दिया और मेरा भी उस खाली स्थान पर बैठने का मन था, तो मैं बैठ गया। पता नहीं ये बाबा क्या बना रहा था जिससे लोगों को ज़्यादा ही मज़े आ रहे थे। जब ये बाबा दूर गया, मैंने सोचा इसके सूप में जहरीली जड़ी बूटियाँ डालकर इसे मार दूं और इसके वस्त्र ले लूं, लेकिन ये हरा भोसड़ी वाला वहाँ से हट ही नहीं रहा था, तो मैंने अपनी सिक्का टेक्निक से उसे वहाँ से हटाया। फिर जब वो सिक्के की खोज में गया, मैंने उस सूप में जहर मिला दिया और फिर आराम से बैठ गया। जब उस बाबा ने वो सूप चखा तो वो मरा नहीं, बल्कि उसे उल्टियाँ आई और वो कोने में चला गया। मैंने उसे बाथरूम में उल्टी करते हुए पाया। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने उसे उसी की उल्टी में डुबा दिया। बेचारा काफ़ी घिनौनी मौत मारा गया। उसके वस्त्र लेकर मैं वहाँ से निकल पड़ा। काफ़ी दूर भागने के बाद मैं अपने पहले टारगेट के पास पहुँच गया। तो सीन ये है कि कुछ मजदूरों को गड्ढा खोदते हुए लाशें मिल गई थी और अब उन्हें लग रहा था कि उन लाशों की आत्मा उस जगह पर भटक रही है, इसलिए वे काम नहीं कर रहे थे। इन अंधविश्वासियों को लग रहा था कि मेरे पास कोई जादुई शक्तियां हैं जिनसे मैं आत्मा भगा सकता हूँ, इसीलिए इन्होंने मेरी सहायता मांगी और मैंने हाँ में हाँ मिला दी। मैं वहां जाकर अनाप शनाप बकते हुए अपने हाथ पैर हिलाने लगा। The site is clean now. अब मुझे बस इसे मारने के किसी मौके का इंतजार था। ताकि सबको ये लगे कि यह एक्सीडेंट है, मैंने इसे मशीन के द्वारा मारने की कोशिश की, पर मेरे बाजू खड़े बंदे ने मुझे देख लिया। इस बार मैंने पहले उस बंदे का ध्यान वहां से भटकाया और जब वो वहां से चला गया, मैंने मशीन स्टार्ट कर दी, पर साला इस बार मेरी टारगेट वहां पर थी ही नहीं। बहुत ज़्यादा देर तक इसका पीछा करने बाद मुझे एक और मौका मिला जहाँ पर ये गैस सिलेंडर के पास ही आके सुट्टा मारने लगी, पर इस गैस सिलेंडर को लीक कराने के लिए मुझे चाहिए था रेंच, जो मेरे पास था नहीं, तो मैं रेंच ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जब तक मुझे रेंच मिला, तब तक ये वहाँ से जा चुकी थी। मेरा आखिरी मौका भी मेरे हाथ से निकल चुका था। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था, तो मैंने झाड़ियों पर छुपकर इस पर वार किया।
Martinez is down. अब मुझे सभी चश्मदीप गवाहों को टपकाना था। फिर मैंने झट से कपड़े बदल लिए और इन लाशों को छुपाने लगा, जिसमें इन मच्छियों ने मेरी खूब सहायता की। अब मैं चल पड़ा था अपने दूसरे टारगेट की खोज पर। रास्ते पर मुझे ये होटल मिला। Do you mind if I ask where? No, I want to find the plaque for myself. See, we take great pride in that. I will also suggest a trip to La Jungla. साला भैरा, मैंने इस भैरे की जान बख्श दी और मिशन की ओर बढ़ने लगा। मुझे अब एक बैंड के चार लोगों को ढूंढना था ताकि वो अपना संगीत शुरू करे। इससे लोग इकट्ठा होंगे और अपना एक टारगेट महल के बाहर आएगा। ये चारों बंदे कहीं ना कहीं पीकर पड़े हुए थे, तो मुझे उन्हें जगाना था। मैंने एक एक कर उन सबको ढूंढा और उन्हें जगाया। पर आखिरी बंदा मुझे मिल ही नहीं रहा था। मैप के हिसाब से उसे इसी घर में रहना चाहिए था, पर मुझे अपने इंस्टिंक्ट द्वारा भी वो नहीं दिख रहा था। मैंने किसी तरह उस घर के अंदर जाने का प्लान बनाया। तब मुझे पता चला कि चौथे बंदे को किसी ने मार दिया है और उसकी लाश इस बिस्तर पर थी। इस बैंड का संगीत शुरू करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस चौथे बंदे का रूप धारण करने का निर्णय लिया। फिर मैं जाके बैंड में शामिल हो गया। अब मुझे बस मेरे टारगेट के आने का इंतजार था। जैसे ही वो आया, हमने गीत शुरू कर दिया। मेरे टारगेट ने यहाँ आकर अपनी स्पीच देनी शुरू कर दी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं उसके ऊपर चला गया। यहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति थी, जिसे धकेलकर मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया। Rico Delgado has been eliminated. Nicely done. अब सिर्फ एक ही टारगेट बचा था, जिसकी तलाश पर मैं निकल गया। काफी किलोमीटर दौड़ने के बाद मैं एक ऐसे दरवाजे पे पहुंचा जो लॉक था। मैंने जंगलों के भीतर से एक और रास्ता खोज निकाला। यहाँ पर मुझे एक लाल बक्सा दिखा, जिसको मैंने फल लेकर मारा। जब वो नीचे गिरा, उसमें से एक ऐसा सर्किट बोर्ड निकला जो मेरे आगे काम आने वाला था। यहाँ मेरे सामने दो गार्ड्स थे, जिसमें से एक को मैंने डिस्ट्रैक्ट कर उसके वस्त्र धारण कर लिए। फिर मैं झाड़ियों का कवर लेते हुए कोकेन की फैक्ट्री पहुँच गया। सामने जो ये कच्चे में बुढ़ा दिख रहा है, यही मेरा टारगेट है। मैंने बाहर रखा जनरेटर बंद कर दिया, जिसे वापस चालू करने एक वर्कर आया। मैंने उसे बेहोश कर उसका रूप धारण कर लिया। फिर मैंने कोकिन की मशीन में सर्किट बोर्ड लगा दिया, जिससे वो वापिस शुरू हो गई। मैं इस डिब्बे में छुपकर मौके का इंतजार करने लगा। सही मौका देख मैं डिब्बे से बाहर निकला और अपने टारगेट की ओर बढ़ने लगा। यह कहा जा सकता है कि मैंने इस आदमी को पोएटिक जस्टिस दिया। जिस तरह इसने अपने फायदे के लिए मासूम पौधों को पिस पिस कर कोकीन बनाया, उसी तरह इसी मशीन में आज यह पिस गया। मेरा यहाँ पर सारा काम हो चुका था। अब मैं एग्जिट की ओर बढ़ने लगा। यह मिशन काफ़ी मज़ेदार था। इस मिशन से हमें यह सीख मिलती है कि अंधविश्वास पे ना माने, अच्छा गीत रोककर अपनी भाषण ना दे, और हमेशा पेड़ पौधों के प्रति अपना प्यार जताए। हम फिर मिलेंगे अगले मिशन पर। बन जाए MBA कर ले, गणित वाले गुरुजी ने टोका था भोसड़ी के पढ़ ले। मैं बुद्धू, मैं चुतिया, मैं चुतिया बोका।